हेलो अपनी फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर हम सबको पसंद है बिकॉज इससे फोटोज और ज़्यादा कूल लगती है और एक फील देती है। तो इस ब्लर को अपनी फोटोज में कैसे ला सकते हो, इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है और आपका कैमरा ब्लर को कैसे क्रिएट करता है, आज हम इस पर बात करेंगे और बेस्ट सोल्यूशन देंगे ताकि आप और अच्छा बैकग्राउंड ब्लर निकाल सको अपनी फोटोज में। सो स्टार्ट करते हैं। एक कैमरा तीन रूल्स पे चलता है बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट अपर्चर, अब अपर्चर के बारे में आप सब जानते होंगे, और सेकंड है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच की दूरी, एंड थर्ड है आपके कैमरे की फोकस लेंथ। अपर्चर, अब अपर्चर के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो पहले मैं उन लोगों को बता दूँ जिन्हें अपर्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अपर्चर फोटोग्राफी के तीन मेजर कंपोनेंट में से एक होता है, जिसमें आपका ISO आता है, शटर स्पीड आती है और अपर्चर आ गया। इस बात की इतनी डिटेल में ना जाकर, बिकॉज ये टॉपिक अपने में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अपर्चर F से डिनोट किया जाता है और F नंबर आपका जितना छोटा होगा आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना ही मिलेगा और उतनी ज़्यादा आपके सेंसर में लाइट आएगी। कई लेंसों में ये फिक्स आता है कि आप अपनी मर्जी से एक फिक्स अमाउंट तक आप इसे ले जा सकते हो, बट कुछ में कैमरे की फोकस लेंथ चेंज करने के साथ साथ अपर्चर भी चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल में आप 50mm देख सकते हैं प्राइम लेंस, उसमें 1.f/1.8 मिलता है, और वहीं पर आप किट लेंस देख सकते हैं जहाँ पर आपको 3.5 से 6.2 तक अपर्चर मिल जाता है कैमरे की फोकस लेंथ चेंज करने पर। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो हर दूसरे फोटोग्राफर या आपको बिगनिंग लेवल पे बता दी जाती है कि आपका एफ नंबर जितना कम होगा आपको उतना ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। बट इसके अलावा भी दो रूल्स और लगते हैं, उसके बाद ही आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, और उन दोनों रूल्स के बिना आप कितना ही अच्छा लेंस यूज़ क्यों ना कर लें आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिल पाएगा सही से। सेकेंड रूल है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच की दूरी। मैं अपने कैमरे से जितना क्लोज हूँ उतना ही अपने बैकग्राउंड से दूर होता जा रहा हूँ, और जितना दूर मैं अपने बैकग्राउंड से हो रहा हूँ उतना ही और ज़्यादा ब्लर मुझे प्रोवाइड होगा, बट जितना मैं अपने बैकग्राउंड के पास जाऊँगा बैकग्राउंड ब्लर कम होता चला जाता है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो कोशिश करें अपने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में एक अच्छी खासी दूरी रखें। फोकस लेंथ, अब फोकस लेंथ बैकग्राउंड ब्लर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास तीन लेंस है, आपके पास एक 50mm जिसका अपर्चर 1.4 है, वहीं पर आपके पास एक 85mm लेंस है जिसका अपर्चर 1.8 है, और आपके पास एक 70-200 जिसका अपर्चर है 2.8 है। अब इसलिए हम फर्स्ट रूल से कह सकते हैं जिसका अपर्चर सबसे कम होगा वो बैकग्राउंड ब्लर उतना ही अच्छा देगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम करते हैं फोकस लेंथ, तो आपके पास जितनी ज़्यादा फोकस लेंथ होगी आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना ही ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 70-200 लेंस f/2.8 ईजिली बीट कर देगा इन दोनों लेंसों को, 85mm और 50mm, बिकॉज आपके पास जितनी ज़्यादा फोकस लेंथ होगी आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना ही मिलेगा। बट मैक्सिमम फोकस लेंथ की वजह से आपको फोटोज़ बहुत ज़्यादा दूर से क्लिक करनी पड़ती हैं, इन लेंसों के साथ आप इंडोर शूट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वहीं पे 50mm आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो फोटोग्राफी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।